हेलो प्यारे बच्चों और दोस्तों, मैं सर्वेश कुमार दीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं हम दोनों के प्यारे से बैच में, जिसका नाम है परसेंटाइल बूस्टर। देखो यार, लास्ट क्लास में हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर को किया है। आज भी हम लोग उसी काम को आगे बढ़ाएंगे। 2022, 2021 और 2020 के सारे PYQ हम लोग करेंगे एक एक करके, ठीक है। आप होपफुली CSD को रिवाइज करके आएंगे, अपनी नोटबुक को रिवाइज करके आए होंगे, और साथ साथ में बीच बीच में मैं कॉन्सेप्ट बताता जाऊंगा कि हाँ यार किस तरह के कॉन्सेप्ट यूज होंगे, ठीक है ना। सारे कॉन्सेप्ट बताता जाऊंगा। आपका काम सिर्फ इतना सा है कि चीजों को अच्छे से रिवाइज करते रहे, चीजों को अच्छे से रिवाइज करते रहे। हाँ, आराम से पढ़ाई पर ध्यान दे, ठीक है, फोकस करे और ध्यान दे कि पेपर किस तरह का आ रहा है, पेपर की एनालिसिस क्या है। पेपर में आपको आराम से सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं आ रहे, तो उसी हिसाब से आप चीजों की प्रिपरेशन करें। तो चलो आ जाओ, चैप्टर को शुरू करते हैं। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले, ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे कि कॉन्सेप्ट कौन से लगाने हैं। तो चलो एक एक करके पढ़ते जाएंगे और कॉन्सेप्ट लगाते जाएंगे। देखो, गैसियस स्टेट के सबसे पहली बात है, इसको मैंने कई पार्ट में डिवाइड कर लिया है। तो सबसे पहला टॉपिक है आइडियल गैस। देखो, आइडियल गैस के क्वेश्चन के लिए आपके पास कितने कॉन्सेप्ट होने चाहिए। तो देखो यार, कॉन्सेप्ट नंबर वन क्या है, यदि रिएक्शन नहीं हो रही है, नो रिएक्शन अकर्स, यदि किसी तरह की कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, समझो, यदि किसी तरह की कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, तो ऑलवेज आप ये फार्मूला लगाएं, ये कॉन्सेप्ट लगाएं, Ni इक्वल टू Nf, मतलब कुछ होने से पहले मोल, टोटल मोल ऑफ गैस बिफोर प्रोसेस, किसी भी तरह का प्रोसेस होने से पहले, बिफोर प्रोसेस कितने मोल है, और ये क्या है, ये है टोटल मोल ऑफ गैस After process, total mole of gas before process और total mole of gas after process। पहला concept तो ये, यदि reaction नहीं हो रही है तो आपको कुछ नहीं करना है। यदि reaction नहीं हो रही है तो आप हमेशा यही formula लगाएं। अब बात आई मोल कैसे निकालोगे, तो मेरे दोस्त मोल आपको निकालना है इससे, PV इक्वल टू NRT से। ये देखो, ऐसे मोल आपको कैसे निकालना है, ऐसे निकालना है। आप किसी भी तरह का बॉयल्स ला चार्ल्स ला इसको लगाने की कोशिश ना करें, सीधा सीधा बार बार यही क्वेश्चन लगाएं। जब तक आइडियल गैस का क्वेश्चन है तो तुम ये ध्यान रखना, चाहे वो बॉयल्स ला का क्वेश्चन हो तो भी ये लग जाएगा, चार्ल्स ला का क्वेश्चन हो तो भी लग जाएगा, गैलुसाक ला का क्वेश्चन हो तो भी ये लग जाएगा, तो भी ये वैलिड है और काम करेगा और लग जाएगा। तो आप हमेशा क्या करोगे, टोटल इनिशियल मोल बराबर टोटल फाइनल मोल कर दोगे। बस ध्यान रखना, रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, कोई लीक आउट नहीं होना चाहिए, ये सब ना हो। क्यों? क्योंकि मोल ना चेंज हो, क्योंकि तुम मोल बराबर कर रहे हो, मोल बराबर कर रहे हो। बी कॉन्सेप्ट, एक हमारा कॉन्सेप्ट हुआ PV इक्वल टू NRT। एक आइडियल गैस इक्वेशन है कि इसकी जरूरत पड़ सकती है PV इक्वल टू NRT। अब आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म ऑफ डेंसिटी, तो जब इसको डेंसिटी के टर्म में लिखोगे तो यार ये ऐसी हो जाती है, PM इक्वल टू DRT। M क्या है, मॉलिक्यूलर वेट है, वेयर M क्या है, मॉलिक्यूलर वेट, और D क्या है, डेंसिटी। ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस है और D क्या है, डेंसिटी ऑफ गैस। ठीक है, किसमें, ग्राम पर लीटर में, यूनिट भी लिख दी, ठीक है। अब ये डेंसिटी के टर्म में हमारा है। अब यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि इसको हम डेंसिटी के टर्म में लिखें तो D इक्वल टू आ रहा है PM अपॉन RT। इसका मतलब हुआ कि डेंसिटी जो है प्रेशर अपॉन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यदि एक गैस है तो डेंसिटी जो है प्रेशर अपॉन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और यदि अलग अलग गैसों का कंपेयर है तो मॉलिक्यूलर वेट भी वेरिएबल होगा।
ये सेम गैस के लिए है और ये डिफरेंट गैस के लिए, क्योंकि जब गैस डिफरेंट होंगी तो आपको भी पता है कि मॉलिक्यूलर वेट भी वेरिएबल होगा। यदि गैस अलग अलग है तो यार दोस्त मॉलिक्यूलर वेट भी तो वेरिएबल होगा, है कि नहीं? तो बात समझ पा रहे हो, सेम गैस है तो हमारा ये फार्मूला चलेगा, क्योंकि वहां पर मॉलिक्यूलर वेट कॉन्स्टेंट हो जाएगा कि गैस सेम है, उनका प्रेशर अलग अलग है, उनका टेम्परेचर अलग अलग है। मगर यदि गैस भी डिफरेंट है और प्रेशर भी डिफरेंट है, टेम्परेचर भी डिफरेंस है, तो ये आ गया। इतनी बात समझ गए। अब इसके बाद ई एक और क्या, मान लो एक से ज्यादा गैस मिक्सचर है, गैस मिक्सचर, यदि गैस मिक्सचर दिया है तो कैसे होगा, टोटल प्रेशर, टोटल वॉल्यूम, टोटल मोल आर इंटू टी। अब ये और ये एक ही रहेगा, क्यों? क्योंकि कंटेनर एक है, कंटेनर एक है। गौर समझिएगा, यदि एक ही कंटेनर है और एक ही कंटेनर में एक से ज्यादा गैस है, यदि एक ही कंटेनर है और एक कंटेनर में एक से ज्यादा गैस है, तो उन सभी गैसों के लिए टेम्परेचर सेम, उन सभी गैसों के लिए वॉल्यूम सेम होगा। क्यों? कुछ इस तरह से है, जरा समझिए। एक रूम में आप बैठे हो, उस रूम में आपके ब्रदर भी बैठे हैं। अब बताओ यार दोस्त क्या होगा, जिस रूम में आप बैठे हो आपको रूम कितना बड़ा दिखेगा? उतना ही बड़ा रूम किसको दिखेगा? आपके भाई को भी दिखेगा। तो एक ही कंटेनर में गैस है तो वॉल्यूम सेम हो जाएगा, एक ही कंटेनर में गैस है तो उनका टेम्परेचर सेम होगा, सबको सेम टेम्परेचर फील होगा। मगर टोटल प्रेशर और टोटल मोल अलग अलग होंगे। एक ही कंटेनर में गैस है तो टोटल मोल तो बढ़ेंगे और घटेंगे, और मोल घटेंगे बढ़ेंगे तो प्रेशर घटेगा बढ़ेगा। तो यदि गैस मिक्सचर हो तो इसको ऐसे लगा सकते हो, है ना? और ये सब काम आएंगे जो कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, ये अभी क्वेश्चन में यूज होंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है? अब जरा देखो यार बातों को आगे बढ़ाते हैं कि करोगे कैसे, करोगे कैसे। तो चलो एक एक करके कुछ क्वेश्चनों पे आते हैं और बातों को समझते हैं, ठीक है? देखो इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान दो क्या कह रहा है क्वेश्चन। ए स्पेरिकल बैलून ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर कंटेन हीलियम गैस एज ए प्रेशर ऑफ 48 इंटू 10 की पावर माइनस 3 बार एट द सेम टेम्परेचर। द प्रेशर ऑफ ए स्पेरिकल बैलून ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर कंटेन द सेम नंबर ऑफ सेम अमाउंट ऑफ गैस विल बी। अब जरा देखो यार, दोनों बैलून में नंबर ऑफ मोल समान है, क्यों? गैस भी सेम है और अमाउंट भी सेम है, तो जब गैस भी सेम है अमाउंट भी सेम है तो मोल भी सेम होंगे। भाई मोल इक्वल टू होता क्या है, मोल इक्वल टू क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। सेम वेट है और सेम गैस है, गैस भी सेम है, तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि पहले वाले बैलून का मोल और दूसरे वाले बैलून के मोल आपस में बराबर है। हर क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, मोल बराबर करेंगे। हम कोई बॉयल्स ला नहीं लगा रहे, चार्ल्स ला नहीं लगा रहे, वो अपने आप लग जाएगा और आप चाहो तो लगा भी सकते हो, ठीक है? अब मोल क्या होंगे, पी प्रेशर कितना दिया है, पी इंटू वी, वी कैसे निकालोगे, स्पेरिकल वैल्यू में, ठीक है? सेंटीमीटर है, इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लो, मीटर क्यूब आ जाएगा। ये देखो ये मीटर क्यूब आ गया, है ना? ये सेंटीमीटर में ही रखो, यूनिट है, कट जाएंगी क्योंकि एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हो, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। पाई आर क्यूब, पी इंटू वी अपॉन आर इंटू टी। टेम्परेचर देखो क्या लिखा है, सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर दोनों का बराबर है। अब इसका पी निकालना है, इसका भी क्या होगा, और आर इंटू टी, ये और ये कट गया, ये अच्छा सॉरी ये चीज कट गई, ठीक है? अब देखो ये है 48 इंटू 10 की पावर माइनस 3 और ये है 3 क्यूब और ये हुआ पी एफ इंटू। अब इसको हम ऐसे लिख लें 4 क्यूब और 3 क्यूब,
अरे 12 को क्या लिख लिया, 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 लिख लिया, ऐसा इसलिए लिखा जैसे ये कट जाएगा। तो पीएफ की वैल्यू आ गई 48 इंटू 10 की पावर माइनस 3 और 4 इंटू 4 इंटू 4, अब डिवाइड करो 12 3 3 बाई 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3, तो ये कितना हो गया, आंसर किस में लाना है, 10 की पावर माइनस 6 में लाना है। तो देखो इसको 10 की पावर माइनस 6 बनाओ, ये बन गया, डिवाइड करो तो 7 चौक 28 एंड 7 चौक 28 हुआ तो 2 आ गया और 5 चौक 20 ये आ रहा है। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, मेरे हिसाब से 750 आंसर आ रहा है, ये देखिए। और इसी को चाहो तो बॉयज क्लास से कर दो, P1V1 इक्वल टू P2V2, मगर बात ये है कि बॉयज क्लास से करोगे तो बॉयज क्लास अप्लाई करने की कोशिश करना होता है, चार्ल्स लॉ से करो तो चार्ल्स लॉ अप्लाई करने की कोशिश करना होता है, अवोगाड्रो लॉ से करो तो अवोगाड्रो लॉ अप्लाई करने की कोशिश करना होता है। तो मेरा कहना है कि हम 10 तरह के कॉन्सेप्ट अप्लाई करने की कोशिश क्यों करें, हर क्वेश्चन में यही करते चले ना, मूल बराबर करते चले, उससे हमें यह पता होता है कि हमारा फार्मूला और कॉन्सेप्ट फिक्स है, बस मुझे उसे अप्लाई करना है, कॉन्सेप्ट फिक्स है बस उसको अप्लाई करना सीखना है, नहीं तो आप इसी डिलेमा में रहोगे कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएं, तो अपना कॉन्सेप्ट फिक्स है बस उसको अप्लाई करना सीखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक बार कैलकुलेशन देख लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, ठीक है, कैलकुलेशन देख लीजिएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, और कोई बात नहीं है। अच्छा चलो आगे चले, देखिए इस क्वेश्चन को करिए, क्या क्वेश्चन है तो जरा ध्यान दो इस क्वेश्चन को, सभी लोग पढ़े और करें, अब बताओ कैसे आंसर आएगा। देखो अब इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ो क्या लिखा है, 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस इज एब्जॉर्ब ऑन 2.5 ग्राम ऑफ प्लेटिनियम पाउडर एट 300 केल्विन एंड 1 बार प्रेशर, द वॉल्यूम ऑफ गैस एब्जॉर्ब बाय पर ग्राम ऑफ एब्जॉर्बेंट इज इन ml। तो यार कुछ नहीं करना है, वो कह रहा है कि यदि हमारे पास कुछ प्लेटिनियम पाउडर है ऐसे, ये हमारे पास कुछ प्लेटिनियम पाउडर है इस तरह से, ये देखो, और ये कंटेनर है इसमें गैस है, ये हमारे पास प्लेटिनियम पाउडर है। अब प्लेटिनियम पाउडर कितनी गैस को एब्जॉर्ब कर लेगा, और हमारे पास गैस कौन सी है, हाइड्रोजन गैस है, पर ग्राम प्लेटिनियम पाउडर कितना वॉल्यूम गैस का एब्जॉर्ब कर लेगा। तो पहले यह तो पता चले कि गैस का वॉल्यूम है कितना, तो गैस के वॉल्यूम के लिए तुमने क्या लगा दिया, पीवी इक्वल टू एन आर टी, पी की वैल्यू कितनी दी है मेरे दोस्त, एक बार, वी निकालना है, एन की वैल्यू मास अपान मॉलिक्यूलर मास, आर की वैल्यू टी की वैल्यू, टी कितना है क्वेश्चन में 300 केल्विन, ठीक। अब वॉल्यूम ऑफ गैस आ गया, तो वॉल्यूम ऑफ गैस कितना आ गया, आई थिंक 22.7 आएगा जैसी डाटा दिया है, तीन सौ इंटू 0.083 24.9 लीटर आ गया। अब इतनी गैस है, इतनी गैस है और प्लेटिनियम पाउडर कितना है 2.5 ग्राम, अब वो पूछ रहा है द वॉल्यूम ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड पर ग्राम ऑफ एब्जॉर्बेंट इज, अब ये पूछ रहा है, तो यदि पूरी की पूरी गैस एब्जॉर्ब होती है तो बताओ पर ग्राम कितनी एब्जॉर्ब होगी, तो इसको एमएल में बना लो, यदि एमएल में बना ले तो ये आ जाएगा, क्योंकि एमएल में आंसर पूछ रहा है, तो 2.5 ग्राम प्लेटिनियम कितनी गैस को एब्जॉर्ब कर रहा है, इतनी गैस को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो एक ग्राम कितना करेगा,
ये देखो है, अब इसको सॉल्व कर लो, तो हथियार से डिवाइड कर लेते हैं। तो देखो 24900 डिवाइडेड बाय 2.5 तो ये आ रहा है 9960 ml, तो आंसर आ गया 9960 ml। बात समझ में आई किस तरह का क्वेश्चन हुआ भाई? उसने कहा कि यार जो हाइड्रोजन गैस है वो प्लेटेनियम के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाती है, तो बताओ कितना वैल्यूम पर ग्राम ऑफ प्लेटेनियम एब्जॉर्ब होगा। तो टोटल वैल्यूम निकाला, टोटल वैल्यूम को एब्जॉर्ब करने के लिए इतना प्लेटेनियम चाहिए, तो एक ग्राम को एब्जॉर्ब करने के लिए एक ग्राम प्लेटेनियम कितना एब्जॉर्ब करेगा, तो एक ग्राम प्लेटेनियम का आंसर निकाल दिया। बात समझ पाए? ये देखो अब और आगे बढ़ते इस क्वेश्चन को देखो, ये क्या कह रहा है? ए रिजिड नाइट्रोजन टैंक स्टोर इनसाइड ए लेबोरेटरी हैज ए प्रेशर ऑफ 30 एटमॉस्फेयर एट 6 PM व्हेन द टेम्परेचर इज राइज 27 degrees centigrade at 3 PM when the temperature is like 35 degrees centigrade the pressure of tank will be, simple सा question है, बस language ऐसे लिखी गई है ना, नहीं तो एक simple सी बात कह रहा है कि 27 degrees centigrade पर pressure इतना है, 45 degrees centigrade पर pressure बताओ, और container कैसा है? rigid, जब rigid container है तो volume तो constant हो गया है, और चाहो तो जो मैंने बताया है वो लगा दो, क्या Ni इक्वल टू NF, नाइट्रोजन गैस क्या लीक हो रही है? नहीं हो रही है। नाइट्रोजन गैस क्या रिएक्शन कर रही है? नहीं कर रही है, तो मोल तो सेम रहेंगे भाई। जब 27 डिग्री सेंटीग्रेड था तब नाइट्रोजन के मोल, और जब 45 डिग्री सेंटीग्रेड है तब नाइट्रोजन के मोल सेम ही तो रहेंगे, क्यों? ना तो रिएक्शन हो रही है ना गैस लीक हो रही है। अब मोल कैसे निकालोगे? पी, पहले पी कितना है, ओए देखो पी कितना है 30, V, R और T कितना है 300 केल्विन, 27 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बना लिया। अब नया प्रेशर निकालना है, वैल्यूम वही है R, टेम्परेचर कितना हो गया 45, तो 227, 273 और 45, 8, 1 और 3, V से V कट गया, R से R कट गया, ठीक है, तो P की वैल्यू आ गई, ये कट गया 10, तो P की वैल्यू आ गई आपकी 10, नीचे आया है ना, कटा तो सही है इधर आएगा, तो P की वैल्यू आ गई ये डिवाइडेड बाय 10, तो ये आ गया, यूनिट क्या है एटमॉस्फेयर 31.8, ये कितना आ गया 31.8 आ गया है ना, अप्रोक्स लिखना चाहो तो 32 के आसपास लिख सकते हो। ये देखो बस सिंपल सी बात है, और कोई बच्चा चाहे तो अपना गैलुसा लगा दे है ना, कि सर P1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन T2, तो आप चाहें तो लगा सकते हैं, इसमें ऐसी कोई वैसी बात नहीं है कि हम नहीं लगा सकते। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये सारे क्वेश्चन हम PYQ कर रहे हैं। 10 ग्राम मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम इज कनेक्टेड इन ए वेसल ऑफ कैपेसिटी इतने, ये मीटर क्यूब है, एट 6 बार प्रेशर इतने प्रेशर, द मास ऑफ हीलियम इन द मिक्सचर। अब देखो एक मिक्सचर है, एक कंटेनर है जिसमें हाइड्रोजन है और हीलियम है, ठीक है, अब टोटल मास दिया है 10 ग्राम। अब वो पूछ रहा है कि बताओ यार किसी एक का मास कितना होगा, तो यार सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था अभी पीछे पढ़ाया है कि टोटल प्रेशर वैल्यूम टोटल मोल आर इंटू टी, ये बात बताई थी कि नहीं अभी, कि टोटल प्रेशर लिखोगे, वैल्यूम ऑफ कंटेनर लिखोगे, टोटल मोल लिखोगे, आर इंटू टी लिखोगे, यदि गैस मिक्सचर कहीं पर कंटेनर में प्रेजेंस है। अब ये गैस मिक्सचर है, यदि इसका वेट W है तो इसका कितना होगा N-W, हमें निकालना किसका है, हीलियम का निकालना है, तो हीलियम का W मान लो है ना, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, तो इसका क्या होगा 10-W,
तो देखो टोटल प्रेशर कितना है, ये क्यों, ये कंटेनर का प्रेशर है, सिक्स बार किसका है, कंटेनर का प्रेशर। चेक करो, 10 ग्राम मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम कंटेन इन ए वेसल ऑफ कैपेसिटी, तो इसका मतलब किसका प्रेशर है, कंटेनर का, और कंटेनर में दोनों गैस है तो इसका मतलब ये टोटल प्रेशर है। अच्छा वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम देखो दिया है मीटर में, 0.0125 मीटर को डेसीमीटर बना लो, क्यों, क्योंकि यूनिट एंड डायमेंशन भी तो लगाओगे, तो इसको डेसीमीटर बना लेते हैं, तो 10³ का मल्टीप्लाई कर देते हैं, डेसीमीटर कह दो या लीटर कह दो, इसको लीटर कर दिए। मोल कितने हैं, अब देखो मोल अच्छे से निकालना, गौर समझना, क्वेश्चन की खास बात यही है, देखो मोल ऑफ नाइट्रोजन वेट अपॉन, सॉरी मोल ऑफ हाइड्रोजन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट कैसे है, 10 - W अपॉन मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई 2, मोल ऑफ हीलियम आर। अब देखो इसकी वैल्यू यहां पर किसमें दी है, जूल में, और जबकि हम प्रेशर रख रहे हैं बार में और इसको रख रहे हैं लीटर में, तो ये जूल में कैसे काम करेगी, तो हमने ये लिख लिया जूल से उसमें, एंड और क्या बचा, टेम्परेचर 27 का मतलब 300। ये देखो अब इस चीज को उठा के सॉल्व कर लो, बात समझे कैसे किया भाई, टोटल मोल टोटल प्रेशर, जिसका मोल रखोगे उसी का प्रेशर आएगा, क्यों, देखो दो गैस है, गौर सुनिएगा भाई, टोटल प्रेशर इक्वल टू क्या होगा, हाइड्रोजन का प्रेशर हीलियम का प्रेशर। अब देखना प्रेशर इक्वल टू क्या लिख सकते हो, पी इक्वल टू क्या लिख सकते हो, एनआरटी बाई वी, यही तो लिख सकते हो, तो देखो मोल ऑफ हाइड्रोजन R इंटू टी अपॉन वी, मोल ऑफ हीलियम R इंटू टी अपॉन वी, दोनों के लिए टेम्परेचर सेम, दोनों के लिए वॉल्यूम सेम, क्यों, कंटेनर एक ही है, तो देखो V को कॉमन लेके इधर ले आए, तो टोटल मोल ऑफ ये, टोटल मोल ऑफ ये R इंटू टी कॉमन हो गया, तो वही फार्मूला तो आया, यही चीज तो लिखी है कि जिसके मोल लिखोगे उसी का प्रेशर, टोटल मोल लिखे तो टोटल प्रेशर है, देखो तो यही चीज मैंने लिख के दी है। यदि मान लो किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो कि यार प्रेशर टोटल है मोल टोटल है, वॉल्यूम तो नहीं है टोटल, तो दोनों एक ही कंटेनर में है ना, ये देखो तो एक ही वॉल्यूम फील होगा दोनों को। अब इसको सॉल्व कर लो, तो यार इसको सॉल्व कर लोगे ना, मैं छोड़ दूं सॉल्व कर लेंगे आप लोग, वैल्यू निकाल लेंगे कि मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, देख लो आप लोग, तो देखो मेरे हिसाब से तो आप यहां से चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, अच्छे से कर लेना यार, तो देखो मैं कर देता हूं, अच्छा ठीक है, तो देखो 6 × 0.0125 × 1000 ये आया 75 डिवाइडेड बाई 300 डिवाइडेड बाई 0.0833 आ रहा है, तो ये वैल्यू पूरी सॉल्व करने पे आ रही है लगभग 3। इन दोनों को सॉल्व कर लो, यहां पे मैंने 4 एलसीएम ले लिया, तो ये हो जाएगा 20 - 2W और ये हो जाएगा W, तो 12 = 20 - W, तो ये इधर आ गया, ये आ गया 8। तो यार 8 ग्राम हमारे पास क्या होगी, हीलियम होगी, ये देखो कितनी हीलियम होगी, 8 ग्राम, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो, है ना, ये पूरी वैल्यू सॉल्व करने पर 3 आ रही है, ठीक है, इसमें 4 एलसीएम लोगे तो ये 20 - 2W और प्लस W हो जाएगा, 4 इधर आ गया, 12 आ गया, तुम इन दोनों को माइनस प्लस करोगे तो W बचेगा, वो W इधर आ गया, ये उधर चला गया, आ गया उधर, बात समझ पाए, अरे भैया समझ पाए हो कि अकेले हम ही कर रहे हैं, बातों को समझ पाए हो कि अकेले हम ही कर रहे हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को समझो, ए सिल्डेड फ्लास्क
विद कैपेसिटी ऑफ 2 डेसीमीटर क्यूब, आपको वॉल्यूम दिया है, कंटेन इतने ग्राम ऑफ प्रोपेन, इसका मतलब मोल भी दिया है, द फ्लास्क इज सो वीक दैट इट विल बी ब्रस्ट इफ द प्रेशर बिकम इतने, जब इतने पास्कल प्रेशर हो जाता है तो ये फट जाता है, तो मिनिमम टेम्परेचर एट विच द फ्लास्क विल बी ब्रस्ट, टेम्परेचर पूछ रहा है, तो क्या बैलून कितना इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, नहीं, सिल्डेड फ्लास्क है, मतलब पूरी तरह से बंद है और फ्लेक्सिबल नहीं है, प्रेशर बढ़ा के फाड़ा जा रहा है, प्रेशर बढ़ा के फाड़ा जा रहा है, वॉल्यूम को एक्सपेंड करके नहीं फाड़ा जा रहा है, देख लो वो कह रहा है कि जब उसका प्रेशर इतना हो जाता है तब वो फट जाता है, तो वो कह रहा है कि यार प्रेशर इतना है, वॉल्यूम इतना है, मोल इतने हैं, तो उस समय टेम्परेचर क्या होगा, उस समय टेम्परेचर क्या होगा, ये बात पूछी जा रही है, तो ठीक है प्रेशर कितना है पास्कल, ठीक है कहां लिखा है, हां उतने पास्कल आ गया प्रेशर, उतने पास्कल, मोल वॉल्यूम कितना है, ये मोल कितना है, प्रोपेन कितना होता है 44, क्योंकि प्रोपेन होता है C3H8, आर और टेम्परेचर निकालना है, अब दोस्त इसको उठा के सॉल्व कर लो, इसको उठा के आप सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपका, टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है और बताइए, अच्छा अब ये क्वेश्चन देखो ग्राफ का, ग्राफ में क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज नॉट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आइडियल गैस, इनमें से कौन आइडियल गैस को फॉलो नहीं कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज नॉट करेक्ट फॉर आइडियल गैस, डेंसिटी और टेम्परेचर के बीच में पूछ रहा है, क्या ये ग्राफ सही है, तो देखो यार पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, अब इसको डेंसिटी के टर्म में लिखो, तो डेंसिटी के टर्म में ये ऐसा होता है, अभी मैंने पीछे पढ़ाया है, इसको मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास कर दोगे, तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास इधर चला गया, वॉल्यूम इधर आ गया, तो मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी बन गया, ग्राफ किसके बीच में, इसके बीच में, तो देखो डेंसिटी इंटू टेम्परेचर इक्वल टू पी एम अपॉन आर, यदि टेम्परेचर प्रेशर कॉन्स्टेंट है तो यह ऐसे हो गया एक्स इंटू वाई, ये क्या है वाई, ये क्या है एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो ये तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कंडीशन आई, और ये ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक है तो ये तो सही लिखा है, हमें गलत ग्राफ चाहिए, नॉट आइडियल गैस, इसको देखो यदि ये सही है तो ये गलत हुआ, तो इसका मतलब सेकंड वाला आंसर है, सेकंड वाला आंसर है, क्योंकि ये सही है तो ये गलत है, दोनों डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ है, और ये वाला चेक कर लो, यदि ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लायर है तो इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये हमारा हो गया वाई, ये हमारा हो गया के, और ये हो गया एक्स, तो ये तो सही है, पासिंग टू ओरिजिन जा रहा वाई इक्वल टू एम एक्स, अब डेंसिटी इंटू प्रेशर, ये डेंसिटी है ये प्रेशर है, बाकी सब कॉन्स्टेंट है, तो ये तो लीनियर इक्वेशन बन गई, दिख ही रही है भाई, ये प्रेशर है ये डेंसिटी है, तो ये क्या है डेंसिटी, ये वाई हो गया, सॉरी ये एक्स है, तो ये सब नीचे ले आओ, टी इक्वल टू एम आर टी इंटू पी, ये वाई एक्सेस हो गया, ये हमारा एक्स एक्सेस हो गया, और ये पूरा कॉन्स्टेंट हो गया, तो ये सही ग्राफ बना है, तो गलत ग्राफ कौन है, ये वाला है सेकेंड, तो आंसर क्या होना चाहिए, सेकंड होना चाहिए, और कोई एक ग्राफ ये रहेगा, विच अमंग द गिवन प्लॉट इन द करेक्ट प्लॉट ऑफ प्रेशर वर्सेस डेंसिटी फॉर आइडियल गैस, प्रेशर वर्सेस डेंसिटी ग्राफ तो अभी हम लोग ने बनाया है, पीएम इक्वल टू डी आर टी, अब देखो प्रेशर वाई एक्सेस पे है तो ये वाई हो गया, ये इसके नीचे ले आओ,
और ये डेंसिटी हो गई, डेंसिटी एक्स हो गई, इसको ऐसे कर लेते हैं। अब ये वाई हो गया, ये पूरा एम हो गया और ये एक्स हो गया ऐसे। तो वाई इक्वल टू एम एक्स है, इसका मतलब है कि ग्राफ ओरिजिन से पास होगा। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, है कि नहीं? क्योंकि रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ ही नहीं है, तो या तो ये आंसर या ये आंसर। अब स्लोप किसके बराबर है, एम क्या होता है स्लोप, स्लोप की वैल्यू क्या है, आर टी बाई एम। इसका मतलब स्लोप जो है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा स्लोप उतना ज्यादा टेम्परेचर। तो देखो सबसे बड़ा स्लोप किसका है, सबसे बड़ा स्लोप टी वन का है। स्लोप क्या है, एंगल, टी वन का सबसे बड़ा स्लोप है, तो टेम्परेचर भी टी वन का ज्यादा होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं लिखा है। यदि स्लोप टी वन का बड़ा है तो टेम्परेचर भी टी वन का ज्यादा होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं है, यहां टी थ्री का टेम्परेचर ज्यादा है। स्लोप किसका बड़ा है, टी थ्री का, टेम्परेचर भी किसका बड़ा है, टी थ्री का। तो ये करेक्ट ग्राफ है, ये करेक्ट ग्राफ है, बात समझ गए। तो देखो आइडियल गैस से जितने भी क्वेश्चन पिछले तीन साल में आए हैं, 2022, 2020, 2021, वो सारे के सारे हम लोगों ने कर लिए। अब बात करते हैं डाल्टन्स लॉ एंड ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की, कि डाल्टन्स लॉ और ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के क्वेश्चन कैसे करोगे। तो सबसे पहले इनका सीएसडी देते हैं, मतलब इनका कॉन्सेप्ट देते हैं। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझो, तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट देने जा रहे हैं डाल्टन्स लॉ का, गौर समझिए। डाल्टन्स लॉ क्या है, ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में गैस है, गैस का मिक्सचर है, एक हो गई सर्किल की तरह गैस जिसको मैंने नाम दिया गैस ए, और एक हो गई रेक्टेंगुलर, इसको मैंने नाम दिया गैस बी। क्लियर, गैस ए गैस बी। अब जरा समझो, अभी मैंने बात बताई है कि टोटल प्रेशर क्या होगा, टोटल प्रेशर जो होगा प्रेशर ऑफ गैस ए प्लस प्रेशर ऑफ गैस बी होगा, पहला पॉइंट। टोटल प्रेशर क्या होगा, जितनी गैस है उनके प्रेशर का सम। अब दूसरा पॉइंट जरा गौर समझना, जिस गैस का प्रेशर लिखोगे उसी गैस का, जिस गैस का प्रेशर लिखोगे उसी गैस का मोल लिखोगे, और आर टी और वी सबके लिए कॉन्स्टेंट चलेंगे। गैस ए का वॉल्यूम कितना है, जो कंटेनर का वॉल्यूम है, गैस ए का प्रेशर टेम्परेचर कितना है, जो कंटेनर का प्रेशर टेम्परेचर है, सॉरी, गैस ए का टेम्परेचर कितना है, जो कंटेनर का टेम्परेचर है। गैस बी का प्रेशर वी, गैस बी के मोल आर इंटू टी। गैस बी का वॉल्यूम कितना होगा, जो कंटेनर का वॉल्यूम होगा। गैस बी को कितना टेम्परेचर फील होगा, जो कंटेनर का टेम्परेचर होगा। क्यों, आप एक कमरे में हो तो बताओ आपको और आपके भाई को दोनों को टेम्परेचर क्या फील होगा, जो रूम का टेम्परेचर होगा, दोनों के लिए टेम्परेचर सेम होगा। रूम जो है दोनों को बराबर बड़ा दिखेगा, ऐसा नहीं है कि तुम्हें छोटा दिखता हो उसको बड़ा दिखता हो, क्योंकि दोनों के लिए डायमेंशन सेम है। तो गैस चाहे जितनी हो सब कुछ कॉन्स्टेंट होता है, तो इनको डिवाइड कर दो। इससे तुम्हें क्या पता चलता है कि जो मोल का रेशियो वही प्रेशर का रेशियो, मतलब यह हुआ कि यदि एक ही कंटेनर में गैस है, एक ही कंटेनर में गैस है, तो बस तुम दो बातें ध्यान रखो, बस ये जो डाल्टन्स लॉ होता है रियलिटी में यही होता है डाल्टन्स लॉ, कि जो मोल का रेशियो होगा वही प्रेशर का रेशियो होगा, इसी को डाल्टन्स लॉ कहा जाता है। और इसको घुमा फिरा के ऐसे लिख दिया जाता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू फ्रैक्शन ऑफ गैस इंटू टोटल प्रेशर, और यही चीज है जो ऐसे लिखी है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इंटू टोटल प्रेशर, यही लिखा है। और ना मानो तो आपको देखो एक मिनट में प्रूफ करा देता हूं, गैस ए का प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर, तो गैस ए के मोल अपॉन टोटल मोल, जो मोल का रेशियो वही प्रेशर का रेशियो। तो प्रेशर किसका है, ए का, तो मोल किसका लोगे, ए का। प्रेशर क्या लिया, टोटल, तो मोल भी क्या लोगे, टोटल। अब इसको सॉल्व करो, यही तो आ रहा है, ये देखो। अब बताओ ये क्या लिखा है,
भाई मोल ऑफ ए अपॉन टोटल मोल, मोल ऑफ ए अपॉन टोटल मोल क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। देखो इसी को इन्होंने डाल्टन्स लॉ कह दिया। तो आप बेसिक याद रखो ये वाला पॉइंट, इससे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, इससे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा कि जो मोल का रेशियो होता है वही प्रेशर का रेशियो होता है। यदि एक कंटेनर में गैस है, यदि एक कंटेनर में गैस है तो ध्यान रखना मोल चेंज होंगे तो प्रेशर चेंज होगा, और जो मोल का रेशियो वही प्रेशर का रेशियो। ठीक है, तो डाल्टन्स लॉ की बात समझ गए कि डाल्टन्स लॉ क्या होता है और किस तरह से काम करता है। चलो आगे बढ़ते है ना। अब जरा देखो यार ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की बात करते हैं, जरा पानी देखो डाल्टन लॉ के क्वेश्चन कर लेते हैं है ना। चलो अब इस क्वेश्चन को पढ़ो और देखिए और करिए। ए मिक्सचर ऑफ वन मोल ईच हाइड्रोजन हीलियम ऑक्सीजन आर इंक्लोज्ड इन ए सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम वी एट टेम्परेचर टी, इफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज टू द टोटल प्रेशर ऑफ गैस। अब देखो हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर दिया है और टोटल प्रेशर पूछ रहा है, चाहो तो आप डाल्टन्स लॉ वाला फार्मूला लगा लो। क्या कि भाई किसका प्रेशर पूछ रहा है, हाइड्रोजन का दिया है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन इनटू टोटल प्रेशर, और चाहो तो जो मैं बता रहा हूं ये लगा, इसका प्रेशर दिया है और टोटल प्रेशर पूछ रहा है तो बस ये कर दो, दोनों बात एक ही है। हाइड्रोजन का प्रेशर कितना है दो, टोटल निकालना है, मोल ऑफ हाइड्रोजन वन, टोटल मोल थ्री, सबके एक एक मोल है ना, तो पीटी की वैल्यू क्या आ गई सिक्स। तो चाहे ये लगाओ चाहिए दोनों से आंसर सेम ही आएगा और दोनों एक ही चीज है, बस लिखने के तरीके में डिफरेंस है ना। आंसर समझ के कैसे निकालना है। चलो अब इधर आओ, ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंटेन 40% हाइड्रोजन बाय मास व्हेन द प्रेशर इज 2.24 द पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज। तो यार इसमें क्या करना है, वही चीज करनी है, टोटल प्रेशर दिया है, हाइड्रोजन का प्रेशर पूछ रहा है तो हाइड्रोजन का प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर, हाइड्रोजन के मोल अपॉन टोटल मोल, हाइड्रोजन का प्रेशर निकालना है, टोटल प्रेशर दिया है, हाइड्रोजन के मोल, यदि 40% हाइड्रोजन है तो बचा हुआ 60% कौन है ये। तो देखो ये बाय मास दिया है, मोल नहीं दिया है, तो मास को मोल बनाओ, तो 40 डिवाइडेड बाय 2 टोटल मोल क्या होंगे, हाइड्रोजन के मोल और ऑक्सीजन के मोल, मोल ऑफ हाइड्रोजन प्लस मोल ऑफ ऑक्सीजन, इसको सॉल्व कर लो बस। अब देखो 40 डिवाइडेड बाय 2 20 हो गया, अब ये 20 हो गया, ये कितना होगा तो कर लेते हैं 60 डिवाइडेड बाय 32 1.875, इसमें प्लस कर दो 20, 21.25। अब इसको सॉल्व करो, देखो 2.2 × 20 डिवाइडेड बाय 21.875 लगभग 2 आ रहा है, तो हाइड्रोजन का प्रेशर 2 आ रहा है। अच्छा आंसर पूछ रहा है नियरेस्ट नंबर तक, तो 2 एटमॉस्फेयर आ गया बार। बात समझ गए, सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है। अब आप चाहे ये लगाओ चाहे ये लगाओ, किसी बच्चे को टेंशन हो कि यार सर ने ये पता नहीं कौन सा फार्मूला लगा दिया है, हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं, तो ये लगा दो, सेम चीज है, सेम चीज है। इसको करो, एक ग्राम ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इज मिक्स्ड विद 200 ग्राम ऑफ नियॉन, द टोटल प्रेशर ऑफ नियॉन, द टोटल प्रेशर ऑफ द नॉन रिएक्टिव मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नियॉन इन द सिलेंडर इज 25 बार, द पार्शियल प्रेशर ऑफ नियॉन इज 20
द सेम टेम्परेचर एंड वैल्यूम, द वैल्यू ऑफ एक्स इज, तो वैल्यू ऑफ एक्स पूछ रहा है यार, किसका प्रेशर दिया है, नियॉन का प्रेशर दिया है और किसका दिया है, टोटल दिया है, तो मोल ऑफ नियॉन, मोल ऑफ टोटल, है ना, ये देखो। और इसको थोड़ा इजी करना हो तो मैं इजी कर दूं, गौर समझिए, हमें निकालनी क्या है, एक्स की वैल्यू, तो जब एक्स की वैल्यू निकालनी है तो मोल ऑफ प्रेशर ऑफ नियॉन अपॉन प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन करो, तो मोल ऑफ नियॉन और मोल ऑफ ऑक्सीजन, इससे क्या होगा, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, नियॉन का प्रेशर कितना दिया है 20, ऑक्सीजन का कितना होगा, जब टोटल 25 है तो बताओ ऑक्सीजन का प्रेशर कितना होगा, तो ऑक्सीजन का प्रेशर क्या होगा, 25 माइनस 20, टोटल प्रेशर जो होता है उन गैस के प्रेशर के सम के बराबर होता है ड्यू टू डाल्टन्स लॉ, PT इक्वल टू क्या होगा, प्रेशर ऑफ नियॉन प्लस प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का प्रेशर कितना आया 5, अब नियॉन के मोल लिखो तो 200 ग्राम नियॉन का एटॉमिक वेट देखो कितना दिया है 20, ऑक्सीजन के मोल लिखो x डिवाइडेड बाय 32, अब देखो कैलकुलेशन इजी है, इसलिए मैंने ये काम किया, अब ये काम तुम उसमें नहीं कर सकते हो जो डाल्टन्स लॉ का फार्मूला होता है, तो इससे कैलकुलेशन इजी हो गई, तो ये कितना हो गया 4, इनको देखो 200 32 20, ये कितना आ गया 10, ये कितना हो गया 8, तो x की वैल्यू आ गई 80 ग्राम, बस x की वैल्यू इज, आंसर आ गया, क्या हुआ, आंसर निकल आया, बात समझ पाए कैसे किया मैंने। नेक्स्ट, अब जरा देखो यार इस क्वेश्चन को देखो, वो कह रहा है ए मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड CO आर टेकन इन ए क्लोज कंटेनर कंटेनिंग चारकोल, हमारे पास इतनी गैसें हैं और साथ में चारकोल है, द कार्बन ए द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द करेक्ट बिहेवियर ऑफ प्रेशर विद टाइम, अब कह रहा है टाइम के साथ प्रेशर का क्या रिलेशन होगा, देखो यार सिंपल सी बात है, यदि मोल कम होंगे तो प्रेशर कम होगा, क्यों, क्योंकि एक ही कंटेनर में यदि गैस है तो यदि मोल कम होंगे तो प्रेशर कम होगा, मोल बढ़ेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, तो पहले ये चेक कर लो क्या मोल बढ़ सकते हैं या मोल कम हो सकते हैं, बस ये चेक कर लो। तो देखो यार चारकोल क्या करता है, चारकोल जो होता है वो गैस को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्बर है ना, ये एब्जॉर्बेंट होता है, ये गैस को क्या करता है एब्जॉर्ब करता है, और यदि गैस को एब्जॉर्ब करोगे तो मोल कम होंगे और मोल कम होंगे तो प्रेशर कम होगा। अच्छा एक बात तो ये आ गई, दूसरी बात इन्होंने दी नहीं है, यदि हम मान लें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे तो वाटर बनाएंगे, है ये देखो ऐसे इस चीज को देख लो, या तो वाटर लिक्विड बनाएंगे या वाटर वेपर बनाएंगे, टेम्परेचर तो दिया नहीं है, हो सकता है वाटर वेपर बनाए, मगर यदि वाटर वेपर बना रहे हैं तब भी मोल कम हो रहा है, क्यों, यहां देखो 3 मोल खर्च हो रहे हैं और बन कितने रहे 2 मोल, यदि लिक्विड बनाएंगे तो यार 3 मोल गैस के खर्च होकर 0 मोल गैस बन रही है, और मान लो वाटर वेपर बनाते हैं क्योंकि टेम्परेचर नहीं दिया है ना, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन इन क्वेश्चन है, तो टेम्परेचर नहीं भी दिया है फिर भी मोल कम हो रहे हैं, यदि वेपर भी मान लोगे तो 3 मोल खर्च होंगे 2 मोल बनेंगे, इसका मतलब हर हाल में मोल डिक्रीज हो रहा है, और मोल डिक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा, तो ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ तो कट गया, क्यों, इसमें प्रेशर बढ़ रहा है इसमें प्रेशर कांस्टेंट है, अब या तो ये होगा या ये होगा, अब कौन होगा जरा समझो भाई, गैस है एब्जॉर्ब हो रही है, एब्जॉर्ब होती रहेगी कुछ समय बाद इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाएगा, सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ा है, मार खा जाओगे एडजॉर्बेशन में,
एडजॉर्प्शन में क्या पढ़ा है कि गैस एब्जॉर्ब होती है सरफेस पे और कुछ समय बाद इक्विलिब्रियम आ जाता है, और इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो फिर प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। तो ग्राफ ये आया, ये देखो कुछ समय बाद ग्राफ कांस्टेंट हो रहा है, ये देखो कुछ समय बाद ग्राफ कांस्टेंट हो रहा है, इसमें ग्राफ कांस्टेंट नहीं हो रहा है, डिक्रीज होता चला जा रहा है जीरो की ओर जाता जा रहा है। क्यों? कुछ समय बाद एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेंट में इक्विलिब्रियम आ जाएगा, सरफेस में क्या होगा इक्विलिब्रियम होगा, गैस एब्जॉर्ब हो जाएगी ऐसे सरफेस पे, और एब्जॉर्ब होने के बाद कुछ समय बाद इक्विलिब्रियम बना लेगी, ये गैस है, सरफेस केमिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा है ये देखो, और इस प्रोसेस को ही तो एडजॉर्प्शन कहते हो। तो इसका मतलब कुछ समय बाद प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, ये देखो। तो आंसर क्या आया? बी। आंसर क्या है? बी। सारे क्वेश्चन डाल्टन्स ला के थे, डाल्टन्स ला के क्वेश्चन हम लोगों ने कर दिए। अब ग्राहम स्लैब डिफ्यूजन के क्वेश्चन ही नहीं आए, है ना, आएंगे तो कर देंगे। अब देखो यार, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और रियल गैसेस, अब इनके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और रियल गैसेस में क्या ध्यान रखना है? देखो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कितनी बातें हमारे दिमाग में होनी चाहिए? सबसे पहली बात, वीआरएमएस इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट 3RT बाई एम। वी एवरेज इक्वल टू क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी 8RT बाई पाई एम। फिर होता है वीएमपी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ये होता है 2RT बाई एम। ये देखो, अब यदि मैं इनमें रिलेशन की बात करूं तो गौर सुनिएगा, गौर सुनिएगा, RT बाई एम सेम है, ये रूट थ्री लिखा है और ये रूट टू लिखा है, और ये रूट थ्री और टू के बीच की वैल्यू लिखी है। यदि RT बाई एम हटा दे तो ये रूट थ्री हुआ, ये क्या हुआ, R डिवाइडेड बाई वन पॉइंट ये, तो ये अप्रोक्सीमेट क्या आ रहा है, ये आ रहा है दो से बड़ा, इसको x मान लो, और तीन से छोटा, चेक करो है। अरे भैया, यहां तीन से बड़ी वैल्यू लिखी है और ये नौ से छोटा लिखा है, तो तीन बार तो जाएगा नहीं, मगर दो बार जाएगा क्योंकि ये छह से बड़ा लिखा है, तो इससे बड़ी वैल्यू आएगी, इससे छोटी वैल्यू आएगी, और ये रूट टू लिखा है। इससे ये पता चलता है कि सबसे बड़ी वेलोसिटी वीआरएमएस है, फिर वी एवरेज है, और फिर वीएमपी है, मगर यदि तीनों वेलोसिटी को इक्वल कर दिया जाए तो इनके टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन होगा? यदि हम ऐसा मान ले कि ये तीनों वेलोसिटी आपस में इक्वल है तो इनके टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन होगा? इसको मैंने T1 टेम्परेचर पे माना, इसको T2 टेम्परेचर पे माना है, इसको T3 टेम्परेचर पे माना है, कि T1 टेम्परेचर की VRMS, T2 टेम्परेचर की V एवरेज और T3 टेम्परेचर की मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी आपस में बराबर है तो टेम्परेचर में क्या रिलेशन होगा? देखो, यदि ये वैल्यू आपस में बराबर है तो M सेम है कट गया, R सेम है कट गया, 3T 8T और 2T, तो इसका मल्टीप्लायर सबसे छोटा है, तो इसका मतलब इसका टी सबसे बड़ा होगा। क्यों? इन दोनों का मल्टीप्लायर आपस में सेम है क्योंकि ये तीनों वेलोसिटी सेम है, तो इसका मतलब रूट थ्री टी की जो वैल्यू है वही वैल्यू रूट टू टी की है, तो इसका मतलब रूट टू टी का टी बड़ा होगा तभी तो वैल्यू सेम हो पाएगी। तो जिसका मल्टीप्लायर छोटा है उसका टेम्परेचर सबसे बड़ा होगा, या कह दो कि उल्टा ऑर्डर होगा। देखो, उल्टा ऑर्डर होगा, स्पीड का ऑर्डर ये है तो टेम्परेचर का ऑर्डर जस्ट अपोजिट है, इसकी स्पीड सबसे कम, इसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा, इसकी स्पीड सबसे ज्यादा, इसका टेम्परेचर सबसे कम, तो क्वेश्चन को पलट के भी पूछ सकता है। ठीक, अगला पॉइंट, जो चीज आपने इसमें लिखी है उसी चीज को आप नंबर में दिखाओ, ग्राफ में दिखाओ, जो आपने मैथमेटिकल लिखा है अब उसी चीज को ग्राफ में दिखाते हैं। देखो, ये वेलोसिटी है,
और ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। अब ग्राफ हमारा ऐसे आया, ठीक। अब गौर समझिएगा, तीन लाइनें खींच के देता हूं, अब कौन सी वेलोसिटी किसको रिप्रेजेंट कर रही है? देखो, सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी है? वीआरएमएस। इसका मतलब ये लाइन वीआरएमएस की होगी, क्यों? ये वैल्यू सबसे बड़ी है ना, वेलोसिटी एक्स एक्सिस पे है, और फिर किसकी है? ये वाली लाइन, इसका मतलब एवरेज की होगी। और सबसे छोटी वेलोसिटी ये है, देखो ये सबसे छोटी वेलोसिटी है, तो ये क्या है? वीएमपी है। ये देखो, जो इस ग्राफ के पीक पॉइंट को टच करती है उसको कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का मतलब होता है वो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी को मैक्सिमम नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल फॉलो करते हैं, जिस वेलोसिटी को मैक्सिमम नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल फॉलो करते हैं उसको वीएमपी कहते हैं, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहते हैं। तो जो चीज ये लिखी है वही चीज ये लिखी है, बस ग्राफ में लिखी है, ये ग्राफ के टर्म में लिखी है और ये न्यूमेरिकल के टर्म में लिखी है। क्लियर? क्लियर। अब देखो, अब बात बताते हैं काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 3/2 RT फॉर 1 मोल, एक मोल आइडियल गैस के लिए। यदि आइडियल गैस n मोल है तो ये 3/2 nRT फॉर n मोल आइडियल गैस। मोनोएटॉमिक गैस की बात चल रही है क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने कितना मान रखा है? 3/2 मान रखा है। ये देखो है, अब एक मॉलिक्यूल की बात की जाए, थोड़ा सा और आगे ले लेते हैं। जब एक मॉलिक्यूल की बात की जाएगी तो यही फार्मूला होगा, बस केटी हो जाएगा फॉर वन मॉलिक्यूल। ऐसा क्यों? क्योंकि के इक्वल टू होता है आर अपॉन एन ए एवोगाड्रो नंबर। एक मोल की काइनेटिक एनर्जी इतनी है तो एक मॉलिक्यूल की क्या होगी? एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दोगे। एक मोल की वैल्यू इतनी है तो एक मॉलिक्यूल की क्या होगी? एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करोगे। तो R अपॉन Na को हमने नया कॉन्स्टेंट दे दिया K, जिसको बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट कहते हैं। ये देखो, R अपॉन Na को नया कॉन्स्टेंट दे दिया K, बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट। अच्छा, N मॉलिक्यूल की बताओ, तो N मॉलिक्यूल की ये हो जाएगी, ये क्या है? फॉर N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब देखो, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला यदि ये है 3/2 RT, तो इसको हम 3/2 PV भी लिख सकते हैं, क्योंकि पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं एक मोल के लिए। एक मोल के लिए आप इसको क्या लिख सकते हो? ये भी लिख सकते हो। क्लियर? अब एक बात ध्यान रखना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होती है फॉर आइडियल गैस। यदि गैस आइडियल है तो काइनेटिक एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी और किसी बात पर डिपेंड नहीं करेगी। ध्यान रखिए, आइडियल गैस की काइनेटिक एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन है, सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और किसी पर डिपेंड नहीं करती। मतलब प्रेशर पर डिपेंड करेगी? नहीं करेगी। वॉल्यूम पर डिपेंड करेगी? नहीं करेगी। डेंसिटी पर डिपेंड करेगी? नहीं करेगी। ना गैस के प्रेशर पे, ना गैस के वॉल्यूम पे, ना गैस की डेंसिटी पे। चलो अब क्वेश्चन में चलें। देखो, ये क्वेश्चन 2020 का है, ग्राफ बना हुआ है। आइडेंटिफाई द करेक्ट लेवल ऑफ ए बी सी इन द फॉलोइंग ग्राफ फॉर द ऑप्शन इज गिवन। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। ग्राफ दिया है, अभी मैंने ये बात पढ़ाई है कि सबसे बड़ी वेलोसिटी कौन है? वी एवरेज। इसका मतलब ये वाला ग्राफ वी एवरेज का है, वेलोसिटी एक्स एक्सिस पे है, तो इसका मतलब सी क्या है? सी है वी आर एम एस। बी क्या है? एवरेज। ए क्या है? ए जो है हमारा मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ये पीक है। सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल जिस वेलोसिटी को ट्रेवल करते हैं उसको मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहते हैं।
अब देखो ऐसा कहीं दिया है, मैच करो, सी वी आर एम एस है, सी की वैल्यू वी आर एम एस कहीं दी है, ये दी है, बी एवरेज है, ए एम पी है, डी आंसर हो गया है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, वो बात अलग है कि हम लोग कर पाए या ना कर पाए, मगर क्वेश्चन सिंपल था, है ना। अभी हम उन्हीं क्वेश्चन पर फोकस करेंगे जो केटीजी के, जो केटीजी के, क्यों, अभी हमने केटीजी पढ़ी है ना, केटीजी के क्वेश्चनों पे फोकस करेंगे। देखो ये केटीजी का क्वेश्चन है या नहीं देखते हैं। ए एवोकेटेड ग्लास वेसल वेट इतने ग्राम व्हेन एम्प्टी, इतने ग्राम व्हेन फिल्ड विद ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी इतना, एंड इतने ग्राम व्हेन फिल्ड विद ए आइडियल गैस इतना, ठीक है, द मोलर मास इज जितना। बताओ भाई बच्चों कैसे करोगे, जल्दी बताइए। हाँ भाई बताओ भाई, किसी से निकला, देखो यार अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करना है मैं बताता हूं, जरा समझिए, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। एन एवोकेटेड ग्लास वेसल वेट 40 केजी व्हेन एम्प्टी, एक हमारे पास कोई वेसल है ग्लास का, ये देखो ये मान लो ग्लास वेसल है, जब दोस्त ये खाली है तो इसका वेट 40 केजी है, ठीक, 135 व्हेन फिल्ड विद लिक्विड ऑफ डेंसिटी इतना, जब इसमें कोई लिक्विड भर दिया जाता है इस तरह से, तो इसका वेट हो जाता है 135 केजी, ये जब खाली है एम्प्टी है, और ये क्या है ग्लास प्लस लिक्विड का वेट है। तो सभी लोग समझ गए होंगे कि लिक्विड का वेट कितना आएगा, तो वेट ऑफ लिक्विड आ गया 135 माइनस 40 95 केजी। चलो अच्छा फिर क्या कह रहा है, लिक्विड की डेंसिटी भी दी है, ठीक है लिक्विड की डेंसिटी दी है 0.95 ग्राम पर एमएल, ओके, एंड 40.5 ग्राम व्हेन फिल्ड विद आइडियल गैस एट 0.82 एटमॉस्फियर एंड 250 केल्विन द मोलर मास ऑफ गैसेस। वो कह रहा है कि जब इसमें कोई गैस फिल होगी, जब इसमें कोई गैस फिल होगी, देखो ओ ये ट्रायंगल उठा लिया, जब इसमें कोई गैस फिल है, यदि इसमें कोई गैस फिल कर देते हैं तो इसका वेट हो जाता है 40.5, मतलब ग्लास प्लस गैस का वेट है 40.5 केजी, और एम्प्टी है तो अकेला कितना वेट है 40 ग्राम। अच्छा हम केजी लिख रहे हैं, हर जगह ग्राम ग्राम है ना, तो ध्यान रखना हर जगह ग्राम है, केजी कहीं नहीं है, ये मेरी दिमाग की उपज है, ये मेरे दिमाग की उपज है कि मुझे वो केजी दिख रहा है, हर जगह पे ग्राम है। ये देखो यार, तो वेट ऑफ गैस कितना आ गया 40.5 माइनस 40 इक्वल टू 0.5 ग्राम। अब वो गैस का मॉलिक्यूलर वेट पूछ रहा है, तो भाई गैस का मॉलिक्यूलर वेट पूछ रहा है, गैस का मोल है, मास है तो मोल है, गैस का प्रेशर है, गैस का टेम्परेचर है, जब गैस फिल है तो प्रेशर इतना है, टेम्परेचर इतना है, तो यार देखो पीवी इक्वल टू एन आर टी, पी की वैल्यू है ये, वी की वैल्यू दी नहीं है, एन की वैल्यू है ये, गैस का नाम बताना जरा, क्या गैस का नाम बताया गया है, क्यों, यदि गैस का नाम नहीं बताया जाएगा तो मॉलिक्यूलर वेट नहीं मिलेगा। अच्छा मॉलिक्यूलर वेट ही निकालना है,
तो मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो ये हो गया। आर की वैल्यू 0.821, टेम्परेचर की, टेम्परेचर कितना दिया है 250, दिख तो रहा है ना? हाँ दिख रहा है। अब यार कहीं से वैल्यूम ऑफ कंटेनर पता चल जाए तो गेम सेट है। अब वैल्यूम ऑफ कंटेनर जरा इससे निकालने की कोशिश करो, देखो जब ये खाली था तो 40 ग्राम था, जब लिक्विड से भरा है तो 135 ग्राम है ना? तो लिक्विड का वेट आ गया, लिक्विड की डेंसिटी आ गई, तो लिक्विड का वैल्यूम आ जाएगा ना, और जो लिक्विड का वैल्यूम होगा वही कंटेनर का वैल्यूम होगा। क्यों? क्योंकि बचपन से आप ये बात पढ़ते आए हो कि लिक्विड और गैस जिस कंटेनर में रखे जाते हैं उसका वैल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। बचपन से आप पढ़ते आए हो कि लिक्विड और गैस जिस कंटेनर में रखे जाते हैं उसका वैल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। तो देखो जरा, वैल्यूम ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू वैल्यूम ऑफ कंटेनर। क्यों? क्योंकि कंटेनर पूरा भरा है। और वो कैसे निकालोगे? V इक्वल टू क्या होता है? D इक्वल टू एम अपॉन V। तो V इक्वल टू एम अपॉन D। लिक्विड का मास 95 ग्राम, लिक्विड की डेंसिटी 0.95 ग्राम पर ml। तो ये कितना आ गया? 100 ml आ गया वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। और जो लिक्विड का वॉल्यूम होगा वही कंटेनर का वॉल्यूम होगा, क्योंकि कंटेनर पूरा का पूरा भरा है। 135 ग्राम व्हेन फिल्ड विद ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी इतना। तो यार ये हमने रख दिया 100 ml, और इसको लीटर बना लेते हैं, 1000 से डिवाइड कर देते हैं। अब कट्टम काट खेलना चालू कर दो, ये और ये उड़ गया, तो इनके बीच में एक जीरो का डिफरेंस है, 1212, ठीक है। और ये मॉलिक्यूलर वेट इधर ले आओ, 0.5 × 10, 0.5, तो 5 हो जाएगा, 250 हो गया इंटू 10। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, कहीं मैं गड़बड़ ना कर रहा हूं। टेम्परेचर 250 हो, ठीक है, ये 0.82 है, तो ये देखो, हाँ मैंने कहा था ना कहीं गड़बड़ ना कर रहा हूं, ये 10 इधर आएगा, तो ये 0 से 0 उड़ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.5 × 250। तो 0.5 × 250 का मतलब हुआ 125 आंसर आ रहा है। कहीं दिया है? अच्छा उसमें था, इंटीजर में, तो आंसर कितना है? 125। बात समझ पाए? क्वेश्चन अच्छा था, उसने वैल्यूम पे हमको घुमाया था कि आपके हाथ वैल्यूम ना लग पाए, इस वजह से ये सारी चीजें करी थी इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो 300 केल्विन, ए सैंपल ऑफ 3 ग्राम ऑफ गैस ए ऑक्यूपाई द सेम वैल्यूम एज 0.2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एट 200 केल्विन एट द सेम प्रेशर, प्रेशर सेम है वैल्यूम सेम है, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए इज, अच्छा ए का मॉलिक्यूलर मास पूछ रहा है। देखो यार, एक गैस हमारे पास ए है और एक गैस है हाइड्रोजन गैस, जरा समझिएगा, वो कह रहा है गैस ए का टेम्परेचर है 300 केल्विन और इसका टेम्परेचर है 200 केल्विन, ठीक, ये है 3 ग्राम, हाइड्रोजन है 0.2 ग्राम, जो इसका प्रेशर है वही इसका प्रेशर है, जो इसका वैल्यूम है वही इसका वैल्यूम है। तो पूछ क्या रहा फिर, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस ए, ये पूछ रहा है, तो बताओ कैसे निकालोगे? तो यार सिंपल सी बात है, इसका और इसका, भाई यदि हम इसमें PV इक्वल टू NRT लगाते हैं तो P और V नहीं पता है, इसमें PV इक्वल टू NRT लगाते हैं तो P और V नहीं पता है, मगर यदि इन दोनों को डिवाइड कर दे तो कैसे, जरा देखो, इस पर हमने लगाया मास इक्वल टू, आप लोगों को यदि याद हो तो मैं डायरेक्ट यूज कर लूं, क्या W R T by P into V, अरे यार आप जानते हो PV equal to NRT होता है, तो इसको मैंने W upon M लिख दिया, M को इधर ले गए, इसको नीचे ले आए, है ना? तो अब देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, डरना नहीं, इसका मास 3
इसका आर, इसका टी डिवाइडेड बाय पीवी। इसका मास तो आपको पता है, हाइड्रोजन है 2, इसका मास 0.2, इसका आर इंटू टी डिवाइडेड बाय पी इंटू वी। अब ये इक्वेशन 1 मान लो, ये इक्वेशन 2 मान लो, डिवाइड कर दो। तो जब डिवाइड करोगे तो m बाय 2। अब देखो डिवाइड करने पे क्या है, इससे इसको डिवाइड कर रहे हैं तो ये तो कट जाएगा, r से r कट जाएगा, ठीक है। ऊपर क्या आएगा, 3 इंटू 300 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आएगा, 0.2 इंटू 200, जीरो से जीरो हो गए, इस 2 से ये 2 कट गया, तो ये क्या आया, 90 डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या आ गया, 45 आंसर हो गया। नहीं तुम एक ही में ये इक्वेशन इसी जगह पे लगा देते, मगर P इंटू V नहीं दिया था, तो P इंटू V नहीं दिया था, तो एक रास्ता है कि पहले इस इक्वेशन से P इंटू V की वैल्यू निकालो फिर इसमें डाल दो, तो बात एक ही होती है, एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में डालो या फिर दोनों को डिवाइड कर दो, बात एक ही होती है। तो मैंने डिवाइड कर दिया, तो मैंने डिवाइड कर दिया। अब इस क्वेश्चन को देखो, अच्छा ये सारे क्वेश्चन 2021 के हैं, जिनमें नाम नहीं लिखा है ना, जिनमें नाम नहीं लिखा है ये सब 2021 के हैं, जेई मीन्स। फिर मैंने इनको लास्ट में कॉपी करा दिया था, मतलब टाइप करा दिया था। द फार्मूला ऑफ ए गैस हाइड्रोकार्बन विच रिक्वायर्ड 6 टाइम्स ऑफ इट्स वॉन वॉल्यूम ऑफ O2 कंप्लीट ऑक्सीडेशन एंड प्रोड्यूस 4 टाइम्स इट्स वॉन वॉल्यूम ऑफ CO2 इज CXHY, द वैल्यू ऑफ Y इज। वो कह रहा है कि ये एक हाइड्रोकार्बन है, जब हम इसको ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं, तो भाई आपको पता है, मैंने भी पढ़ा रखा है कि जब भी किसी चीज को बर्न करोगे तो कार्बन के रिस्पेक्ट में क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में क्या आता है, वाटर। तो आपने बर्न कराया तो बैलेंस करो, एक्स वाई बाई टू, तो कितने मोल ऑक्सीजन हो गए, यहां पे कितने हैं 2x, यहां पे कितने हैं y बाई टू, तो 2x प्लस y बाई टू और डिवाइडेड बाई होल टू, ये चीज आई। अब वो गौर सुनिए क्या कह रहा है, द फार्मूला ऑफ ए गैसियस हाइड्रोकार्बन विच रिक्वायर्ड 6 टाइम्स ऑफ इट्स वॉन वैल्यूम, यदि इसका वैल्यूम v है तो ये 6v यूज होगा और ये 4v बनेगा, ये कह रहा है। तो कह रहा है y की वैल्यू बताओ, तो यार जैसे पहले करते थे वैसे ही कर देते, कैसे करते थे, मोल अपॉन कॉफिशियंट, इसका मोल कितना है v, अरे यार v को 22.5 से डिवाइड करोगे, तो मैंने कहा था आपको पढ़ाया है कि मोल को उसी तरह से ट्रीट करो जिस तरह से वैल्यूम को उसी तरह से ट्रीट करो जिस तरह से मोल को ट्रीट करते हो। तो आपको क्या पढ़ा है, जब इसका एक खर्च होता है, देखो जब इसका एक मोल खर्च होता है तो इसके एक्स मोल बनते हैं, बनते हैं, तो जब इसका वी खर्च होगा तो इसके एक्स इंटू वी बनने चाहिए थे, एक्स इंटू वी बनने चाहिए थे। तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनना चाहिए था, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होना चाहिए था एक्स इंटू वी। तो कार्बन कितना फॉर्म होना चाहिए था, नंबर ऑफ कार्बन एक्स इंटू वी मोल फॉर्म होना चाहिए कि नहीं बताओ, और चाहो तो ना कार्बन ना फॉर्म करो ऐसे ही कर दो आंसर आ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड कितना फॉर्म होना चाहिए था, इतना, जब इसका एक मोल खर्च होता है तो इसके एक्स फॉर्म होते हैं, तो जब इसके वी मोल खर्च होंगे तो इसके कितने फॉर्म होंगे, एक्स इंटू वी। तो हमारे हिसाब से इतना फॉर्म हुआ है, उनके हिसाब से इतना फॉर्म हुआ है, बराबर कर दो। आंसर आ गया, मगर प्रॉब्लम है कि इससे क्वेश्चन नहीं आया, क्यों, क्योंकि उसने वाई की वैल्यू पूछी है, एक्स की वैल्यू नहीं पूछी है, उसने क्या पूछा है, वाई की वैल्यू पूछा है। तो जो चीज मैंने अभी की है वही चीज एक बार और करो और उसके कंपेयर में करो जिसमें वाई हो, अब इनको इनको कर दो।
जब इसका एक मोल खर्च होता है तो इसके इतने मोल खर्च होते हैं, तो जब इसके वी खर्च होंगे तो इसके कितने खर्च होंगे? भाई जब इसका एक खर्च होता है तो इसके इतने खर्च होते हैं, जब इसके वी खर्च होंगे तो इतना इंटू वी खर्च होगा। तो हमारे हिसाब से ऑक्सीजन इतना खर्च होगा और उनके हिसाब से कितना खर्च हो रहा है? 6V। इस टू को उधर ले गए, अब इसकी एक्स की वैल्यू डाल दो, ये हो गया 12, तो ये कितना है 8, उधर गया 4 हो गया, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 8। वो वाई की वैल्यू पूछ रहा है, द वैल्यू ऑफ वाई इज 8, आंसर हो गया, वैल्यू ऑफ वाई इज 8, आंसर हो गया, है ना। सिंपल क्वेश्चन किया है, बात समझ पाए कैसे किया? यार जब इसका एक मोल खर्च होता है तो इसके एक्स फॉर्म होते हैं, तो जब इसके वी खर्च होंगे तो इसके एक्स इंटू वी फॉर्म होंगे, तो एक बार इनको बराबर करके एक्स निकाल लिया। अब वाई निकालना था तो या तो हम इससे कंपेयर करते, तो वाटर दिया नहीं था, उन्होंने ऑक्सीजन की वैल्यू दी है तो ऑक्सीजन से कंपेयर कर दिया कि जब इसका एक खर्च होता है तो इसके इतने खर्च होते हैं, जब इसके वी खर्च होंगे तो इसके कितने खर्च होंगे? इतना इंटू वी। तो मेरे हिसाब से ऑक्सीजन इतना खर्च हो रहा था, उनके हिसाब से 6V खर्च हो रहा है, बराबर कर दिया। नेक्स्ट, द वैल्यूम ऑक्युपाइड बाई 4.75 ग्राम ऑफ एसिटिलीन गैस एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 740 mm प्रेशर इज, आया ये कैसा क्वेश्चन है? एकदम फार्मूला बेस्ड है ये, तो इसको आप कर लीजिएगा, मैं छोड़ दूं। अरे यार देखो वैल्यूम, ये देखो आपको प्रेशर दिया है एटमॉस्फेयर में बना लिया, वैल्यूम पूछ रहा है, मोल दिया है, एसिटिलीन है, मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेना, बारह दुनी 24 और 2 26, आर की वैल्यू दी है, टी की वैल्यू दी है, तो अब आपको करना ही क्या है, बस कैलकुलेशन करनी है, अब ये कर लेना अपना, ठीक है आंसर आ जाएगा। भाई आपको क्या करना है, सिर्फ एक कैलकुलेशन करनी है, कर लोगे कि मैं कर दूं? देखो कर देता हूं, अपने पास तो हथियार है, एट टू इंटू, अब 273 और 50 जोड़ के बताओ कितना होता है, तो यदि 30 जोड़ दोगे तो 303 हो जाएगा, तो 323 हो गया, एक बार देखना 323 होगा ना गुरु, 3 और 7 और 5 12, हाँ और एक, ठीक है ये आ गया, अब इसमें मल्टीप्लाई कर दो 760 का, डिवाइड कर दो 740 से, वैल्यू आ रही है 4.96 अप्रोक्सीमेट 5 लीटर, 5 लीटर आंसर आ रहा है, इंटीजर में चाहिए था, आंसर आ गया। अब ये क्वेश्चन देखो, ये सब 2021 में आए हैं, अब बताओ भाई आंसर क्या आएगा, मतलब पढ़ लो पहले। देखो दो फ्लास्क हैं ए एंड सेकंड, वो एक कनेक्टेड है, इसका मोल दिया है, इसके मास दिया है, टेम्परेचर दिया है, वैल्यूम दिया है, मास दिया है, टेम्परेचर दिया है, वैल्यूम दिया है। When the valve is open, the final pressure of the system in bar. अब valve को open कर दोगे तो final pressure of the system क्या होगा? आप चाहो तो 2 सेकंड में निकाल लो। मैंने आपको क्या पढ़ाया था? मोल बराबर करो। यहां पे मोल कितने हैं? N1। यहां पे कितने हैं? N2। जब इसको open कर दोगे, तब कितने मोल होंगे? सेमी मोल होंगे। भाई रिएक्शन थोड़ी कर रहे हैं, दोनों तो नाइट्रोजन है, तो इसका मतलब ओपन करने से पहले नाइट्रोजन के मोल,
ओपन करने के बाद नाइट्रोजन के मोल बराबर कर दो। पहले कितने हैं देखो, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं ठीक है, अपने आप बताइएगा। पहले प्रेशर की वैल्यू नहीं दी है क्या, एक बार चेक करना। पहले प्रेशर की वैल्यू नहीं दी है मेरे दोस्त, एक बार देख लो। मुझे लग रहा देनी चाहिए थी, भाई ने ध्यान नहीं दिया। नहीं दिए तो कुछ निकाल देंगे, कोई ना कोई जुगाड़ लगाएंगे हम लोग। फ्लक्स वन एंड सो द कनेक्टेड बाई ए वॉल्व ऑफ निग्लेजिबल वैल्यूम, ठीक है इतना एंड इतना। व्हेन द वॉल्व इज ओपन द फाइनल प्रेशर ऑफ द सिस्टम इन बार इज एक्स इंटू 10^-2 द वैल्यू ऑफ एक्स इज। अच्छा गैस को आइडियल मान के चलना है ठीक है। तो यहां पर तो ग्राम तो दिया ही है, तो ग्राम दिया है तो मोल तो आराम से निकल आएंगे है कि नहीं। तो हम क्या करें, पहले तो मोल ऐसे निकाल लें भाई, यहां प्रेशर नहीं दिया है, तो जब प्रेशर नहीं दिया है तो हम परेशान क्यों हूं, हम डायरेक्ट मोल निकाल लेना। देखो 2.8/28 पहले मोल इतने थे, उसमें कितने हैं, पहले मोल इतने हैं, अब बाद में मोल कितने हुए, बाद में मोल कितने हुए, आप दोनों को मिला दोगे क्यों, ये वाल्व हटा रहे हो तो जब हटाओगे तब मोल कितने होंगे, उतने ही होंगे। मगर इस बार मोल मैं इस फॉर्म में नहीं लिख रहा हूं, तो बच्चों ने कहा क्यों नहीं लिख रहे हो, क्योंकि हमें फाइनल प्रेशर निकालना है। तो जब फाइनल प्रेशर निकालना है तो प्रेशर के फॉर्म में लिखो, कैसे, पी इंटू वी कितना हुआ, 1 लीटर और 2 लीटर, तो टोटल लीटर कितने हो गए, 3। आर, आर की वैल्यू, आर किधर है, आर की वैल्यू 8.31 ठीक है, आर की वैल्यू ये पास्कल में निकालना चाह रहे हैं क्या, प्रेशर, प्रेशर की यूनिट क्या है, बार में है, तो बार में है तो यार ये रखो ना 0.083। अब पी इंटू वी आर इंटू टी, टेम्परेचर कितना है, क्या टेम्परेचर इन्होंने दिया है। अच्छा यहां पे एक खेल है, टेम्परेचर अलग अलग है, एक टेम्परेचर है 300 केल्विन और एक टेम्परेचर है 60 केल्विन। अब आप देखो जरा यहां पर क्या थर्मल इक्विलिब्रियम बनाया है, नहीं बनाया है, थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं बनाया है। तो देखो अब कैसे निकलेगा, निकालना इसी तरह से, अब कुछ मोल इधर आए होंगे, कुछ मोल इधर गए होंगे और प्रेशर में इक्विलिब्रियम आई होगी, क्यों, क्योंकि देखो टेम्परेचर अलग अलग है। अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन मेंस में 2 बार पूछा जा चुका है, मगर वहां पर ये नंबर नहीं दिए गए थे, वेरिएबल पॉइंट दिए गए थे, T1 T2 करके दिया गया। तो देखो जो मैं पहले लगा रहा था वो मैंने क्यों काट दिया, समझ रहे हो, इसलिए काट दिया कि टेम्परेचर दोनों के अलग अलग है, तो जब इसको खोल दोगे तो कुछ मोल इधर जाएंगे या कुछ मोल इधर जाएंगे, क्यों, क्योंकि किसी ना किसी फॉर्म में तो इक्विलिब्रियम आएगी, या तो थर्मल इक्विलिब्रियम और प्रेशर की इक्विलिब्रियम, तो दोनों साइड का प्रेशर बराबर होगा। अब दोनों साइड को प्रेशर बराबर करने के लिए कुछ मोल इधर या उधर जरूर जाएंगे, तो मैंने इधर का क्या लिखा, देखो पी फाइनल प्रेशर, वैल्यूम कितना है 1, आर इंटू टेम्परेचर कितना है 300, प्लस इधर कितने मोल हुए, पी प्रेशर वही रहेगा, वैल्यूम कितना है ये, आर इंटू टी कितना है 60, और इधर कितने मोल है, शुरुआत में मैंने डायरेक्ट मोल सम कर दिए, क्यों, क्योंकि मास दिया था। तो बच्चों ने कहा कि सर बाद में आपने क्यों ये नहीं किया, तो दोस्त आंसर कैसे आएगा, यदि बाद में भी मैं मोल लिख दूंगा, टेम्परेचर कुछ भी हो, क्या मोल चेंज हो जाएंगे, भाई हम अकेले यहां खड़े हैं, मेरा वेट मान लो 72 किलो है, 72-73 किलो है, अब आप बताओ यदि इस जगह का टेम्परेचर 40 डिग्री हो जाएगा तो क्या मेरा वेट कम हो जाएगा या मेरे नंबर आगे पीछे हो जाएंगे, नहीं होंगे ना। तो मैंने क्या किया, पहले तो डायरेक्ट मोल निकाल लिया, अब ये कर दिया, अब इसको सॉल्व कर दो, तो ये क्या है 0.1, अब ये कितना है बच्चों, तो ये हुआ जाके डिवाइड कर देते हैं ठीक है, तो 0.2/28 यार ये तो बहुत 0-0 में आ रहा है ना, तो इसको अभी ऐसे करो, इसको पूरा पूरा डिवाइड कर लो, पूरा पूरा कर लो, तो ये 3/28 आया, समझ गए, 28 एलसीएम ले लोगे तो 2.8+0.2 3 हो गया,
यहां पे पी एलसीएम ले लिया और आर एलसीएम ले लिया, तो 101 बटे ये और ये। अब इसको सॉल्व करो, पी ऐसे ही रखा, आर ऐसे ही रखा, 300 एलसीएम ले लिया, 300 एलसीएम लोगे तो ऊपर एक बचेगा, अब इसको काटोगे तो जीरो से जीरो कट गया, पांच आ गया, तो ये आ गया पी बाई आर 6/30, तो ये उड़ गया, ये आ गया ऐसे। अब देखो, अब मैं इसको लिखने जा रहा हूं, मुझे P की वैल्यू चाहिए, ठीक है, R उधर चला गया और 50 उधर चला गया, हाँ, R इधर आएगा 50 इधर आएगा, बात समझ गए। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो R की वैल्यू डाल दो 50/28। अब इसको सॉल्व करिए, हथियार निकालिए, देखो 3 × 0.0821 × 50/28। अब हमारा आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है अप्रॉक्स 44 × 10⁻²⁻²। अप्रॉक्स 44 × 10⁻²⁻²। वो x की वैल्यू पूछ रहा है, तो x की वैल्यू आ गई 44। x की वैल्यू कितनी आ गई? 44 आ गई। बात समझ के कैसे किया भाई? वॉल्व ओपन करने के पहले मोल कितने थे? ये वॉल्व ओपन करने के बाद कितने मोल लाएंगे? तो मोल तो सेम ही रहेंगे, तो मैंने इस कंटेनर के मोल निकाले P × V/R × T, इस कंटेनर के मोल निकाले P × V/R × T, और इस बार P × V के फॉर्म में क्यों निकाले? क्योंकि टेम्परेचर ऊपर नीचे करने से कोई मोल थोड़ी चेंज होने वाले, मगर यदि उनको हम 3/28 लिख देते तो फिर आंसर कैसे लाते? क्योंकि हमें प्रेशर चाहिए था, तो मैंने मोल प्रेशर के फॉर्म में लिखे। क्लियर है? क्लियर है? चलो और आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो क्या है, एन एलपीजी सिलेंडर कंटेन्स गैस एट ए प्रेशर ऑफ 300 kPa एट 27°C। द सिलेंडर कैन विदस्टैंड द प्रेशर ऑफ इतना। द रूम इन विच द सिलेंडर इज केप्ट कैच फायर। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच द ब्रस्टिंग ऑफ सिलेंडर विल टेक प्लेस इन सेंटीग्रेड। अच्छा, वो कह रहा है कि जब 27°C टेम्परेचर था तो यार सिलेंडर का प्रेशर इतना पास्कल था, है ना? नहीं नहीं सॉरी, ऊपर वैल्यू दी है, 300 kPa है, ये देखो। और जब, अब किस टेम्परेचर पर इसका प्रेशर इतना हुआ? जब ये फटने जा रहा था तब इसका प्रेशर इतना था, तो यार टेम्परेचर चेंज हो रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा है, क्या उसके अंदर रखी गैस चेंज हो रही है? नहीं, गैस ऐसे लीक तो नहीं कर रही है, तो चाहो तो मोल बराबर कर दो और चाहो तो P1/T1 = P2/T2 लगा दो, मगर मैं कोई गैस ला लगाता नहीं हूं, हमेशा मोल बराबर करता हूं, तो इसलिए मैं मोल बराबर करके लिख रहा हूं। नहीं तो आप P1/T1 = P2/T2 लगा दो, क्यों? क्योंकि गैस सिलेंडर में है और सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो चेंज थोड़ी होगा, टेम्परेचर चेंज हो सकता है, प्रेशर चेंज हो सकता है ना, लोहे का सिलेंडर कैसे पिचक जाएगा? तो आप चाहो तो ये लगा दो। तो देखो P कितना है, V कितना है, R, और T कितना है, 27 को केल्विन में कर लिया, P कितना है निकालना है, V कितना है, R, सॉरी P दिया है, T निकालना है, P कितना है, V, R, T कितना है निकालना है, कट्टम काट खेल लो, ठीक है? टी की वैल्यू आ गई, कैलकुलेशन बहुत इजी दी थी। अब चाहिए किसमें? सेंटीग्रेड में, तो 273 माइनस कर दो, यार कितना हो गया, 927। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लियो तो आंसर आ गया 927, ठीक है ना? अरे हाँ बोलो ना। अब देखो यार,
बहुत सारे क्वेश्चन आए तो और देख लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो, और ये सब 2021 के हैं, जिसमें सन नहीं पड़े ये सब 2021 में आए। अब इस क्वेश्चन को देखो, एन एम्प्टी एलपीजी सिलेंडर वेट 14.8 किलोग्राम, व्हेन फुल इट वेट 29 किलोग्राम एंड सो ए प्रेशर ऑफ इतना। अच्छा देखो, एक खाली सिलेंडर है हमारे पास, ये देखो एक खाली सिलेंडर है, तो वेट हमारा कितना है, कितना है भाई, 14.8 किलोग्राम, जब ये क्या है, खाली है। अब इसमें जब गैस भर देते हो ऐसे, तो इसका वेट हो जाता है 19 किलोग्राम। ये क्या है, सिलेंडर प्लस गैस का वेट है। अच्छा फिर आगे क्या कह रहा है, एंड सो ए प्रेशर, और उस समय इसका प्रेशर इतना है, तो प्रेशर किसका होगा, गैस का, कोई सिलेंडर का तो प्रेशर होता नहीं है यार। इन द कॉज ऑफ यूज एट टेम्परेचर द मास ऑफ सिलेंडर इज रिड्यूस टू इतना। अब हम इसको यूज करते हैं, घर में यूज किया जाता है, तो सिलेंडर का वेट हो जाता है जाके 23 किलोग्राम। ये क्या है, सिलेंडर प्लस गैस। अब वो पूछ रहा है उसका प्रेशर कितना होगा, द फाइनल प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर इन एटमॉस्फेयर। तो चेंज क्या हो रहा है, क्या दोनों सिचुएशन में वॉल्यूम चेंज हुआ, नहीं, मोल चेंज हो रहा है, इस बार मोल ना बराबर कर देना, क्योंकि गैस यूज हो रही है, और गैस यूज हो रही है तो मास चेंज हो रहा है, मास चेंज हो रहा है तो मोल चेंज हो रहा है, तो मोल बराबर नहीं कर सकते इस बार है। तो देखो, मैंने पहली सिचुएशन में पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाया, एन कितना है, अब गौर से देखना, इतना खाली सिलेंडर है और इतना भरा हुआ सिलेंडर है, तो यहां पर मोल कितने आए गैस के, तो मोल निकालने के लिए इसको माइनस कर लो, तो यहां पे गैस के मोल आए, मास आया, तो 19 से 14.8 माइनस करो तो सीधा 15 माइनस कर दो ना, तो 14 आया है ना, दो और ले लो तो 14.2 आ रहा है किलोग्राम, तो 14.2 किलोग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मैं चेंज क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि दोनों को पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा के डिवाइड करना पड़ेगा, क्यों डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि मोल बराबर कर नहीं सकते हो, और मोल नहीं बराबर कर सकते तो जो मैंने पढ़ाया उसके हिसाब से पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाना पड़ेगा। और मैं इसको चेंज क्यों नहीं कर रहा दोस्त, टेम्परेचर अलग अलग है कि टेम्परेचर भी सेम है, एक बार देख लो, टेम्परेचर की कोई बात नहीं की गई है, तो जब अच्छा ये की गई है एटमॉस्फेयर टेम्परेचर पे यूज किया जा रहा है, तो क्यों लिखो, टी लिख दिया। अब जब यहां तक पहुंचे तो देखो प्रेशर कितना हुआ, निकालना है, कंटेनर का वॉल्यूम यही रहेगा, अब गैस कितनी हो गई, तो यहां देखो 23 में से 14.8 घटा दो, क्योंकि सिलेंडर का वजन तो अभी भी उतना ही होगा है, गैस यूज होती ना, सिलेंडर थोड़ी यूज होता है, तो यार बताओ 15 से 23 गए, अरे कोई बताता नहीं है यार, है ना मक्कार। तो 8.2 कैलकुलेशन चेक करते रहना, मॉलिक्यूलर वेट वही, क्यों, गैस तो वही है ना, टेम्परेचर भी वही। अब डिवाइड मार दो, तो जब इनको डिवाइड मारोगे तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। अब समझ गया होगे मैंने मास आस को क्यों नहीं चेंज किया, क्योंकि वो कटने थे तो हम लोग मेहनत क्यों करते, इसलिए मैंने मेहनत नहीं की कोई। अब ये देखो, अब पीजी की वैल्यू निकाल लो, अब यार डिवाइड कर लेते हैं, तो कितना है, 3.47 इंटू 3.47 इंटू 8.2 डिवाइडेड बाय 14.2 आ रहा है, 2 एटमॉस्फियर वैल्यू आ रही है। तो यार आंसर कितना आ गया, आंसर हमारा 2 आ गया।
ये देखो आंसर दोस्त कितना आ गया, टू आंसर आ गया इस तरह से कर लोगे। अब बस एक ही दो क्वेश्चन बचे हैं, अब इस क्वेश्चन को करो। सभी बच्चे अच्छे से देखें क्या है, गिवन ब्लो आर द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ सम गैसेस, कुछ गैसों के क्रिटिकल टेम्परेचर दिए हैं। द गैस शोइंग लीस्ट एडजॉर्प्शन ऑन ए डिफिनेट अमाउंट ऑफ चारकोल, देखो यार आपको गैसीय स्टेट में ये बताई गई बात कि जो एडजॉर्प्शन है वो टीसी के प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज्यादा टीसी उतनी तेजी से गैस एब्जॉर्ब होगी, क्यों, क्योंकि टीसी ए के प्रोपोर्शनल होता है, टीसी इक्वल टू होता है 8A/27RB, और ए जितना ज्यादा होगा उतनी तेजी से एब्जॉर्ब होगी, तो जिसका ए ज्यादा होगा उसका टीसी ज्यादा होगा, उसका एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा, तो वो लीस्ट पूछ रहा है, तो सबसे कम टीसी किसका है, इसका, तो सबसे कम एब्जॉर्ब होगी हीलियम। अच्छा अब इस गैस को क्वेश्चन को देखो, अब देखो फॉर ए रियल गैस, रियल गैस के क्वेश्चन बहुत कम थे, फॉर ए रियल गैस एट 25°C टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर 99 bar द वैल्यू ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज 2, सो दैट द वैल्यू ऑफ वंडरवॉल कॉन्स्टेंट बी शुड बी, वो आपको जेड की वैल्यू दे रहा है 2 और टेम्परेचर की वैल्यू दे रहा है 25°C, उसी समय प्रेशर की वैल्यू दे रहा है 99 bar और आपसे पूछ रहा है बी की वैल्यू बताओ, तो यार बी की वैल्यू बताने का मतलब वैल्यूम की वैल्यू बताना, यही तो होता है बी, तो हम क्या करें सिंपल जेड वाला फार्मूला लगा दे। ये देखो ये है हमारे पास 2 तो वी निकल आया, आर की वैल्यू दी है, टी की वैल्यू 25 है तो 298, पी की वैल्यू 99 bar एंड और कौन बचा, कोई नहीं बचा। अब हमें क्या चाहिए क्वेश्चन में, बी चाहिए, तो वैल्यू आप बी कितनी आ गई 3B के बराबर, तो वी की वैल्यू आप निकाल चुके हो, इसको डाल दो। अब मेरे दोस्त बस कैलकुलेशन बची है, ये देखो तो ये तो 33 हो गया, अब बस कैलकुलेट कर लो आंसर 2 × 0.083 × 298 ठीक है डिवाइडेड बाय 33, तो ये वैल्यू आ रही है बी की 1.499 × कुछ नहीं। अब देखो जरा हमें किस बी की वैल्यू किस फॉर्म में चाहिए, 10^-2 के फॉर्म में चाहिए, तो 10^-2 के फॉर्म में चाहिए, तो ये ऐसा आया, तो ये आ गया 150 × 10^-2 150 × 10^-2 ये देखो आंसर आ गया सही है। चलो बच्चों एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फॉर ए रियल गैस, ओ ये तो वही क्वेश्चन है, दो बार लिख गया है क्या, अभी जो किया वो ये था, हाँ दो बार पेस्ट हो गया है, डिलीट मारता है। अब कोई क्वेश्चन ऐसा जो हम लोगों ने ना किया हो सारी पीपीटी में, देखो यार दोस्त सारे क्वेश्चन कर लिए हैं हम लोगों ने, आज जो किए हैं वो 30 क्वेश्चन के आसपास किए हैं, जितने भी क्वेश्चन गैसीय स्टेट से आए थे, जितने भी क्वेश्चन गैसीय स्टेट से आए थे वो मैंने सारे करा दिए हैं। अब आपका काम क्या है, मैं होमवर्क लिख देता हूं, देखो होमवर्क में आपको क्या करना है, आपको रियल गैस के अभी कम से कम 10 क्वेश्चन और करने हैं, 10 से 15 क्वेश्चन रियल गैस के करो, क्योंकि इसमें थे नहीं और रियल गैस के क्वेश्चन आते हैं, हो सकता है पिछले दिनों में ना आए हो, एडवांस में रियल गैस के ज्यादा आते हैं, मेंस में कम आते हैं, तो रियल गैस के 10 से 15 क्वेश्चन कर लीजिए और एक
10 से 15 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट कर लीजिए, किसी भी बुक से रैंडम 15 क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में इन्हीं चीजों को हम आगे बढ़ाएंगे, नेक्स्ट क्लास में हम अगला चैप्टर लेके आएंगे और शायद वो बड़ा लंबा होगा क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स से मेरे हिसाब से क्वेश्चन बहुत आएंगे, है ना। थर्मोडायनेमिक्स पे बहुत क्वेश्चन होंगे क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स भी है, थर्मोकेमिस्ट्री भी है। तो नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहिएगा, कल ही आएगी, तो अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा सभी बच्चों को, ठीक है। और ध्यान रखो, जो लड़ेगा वही जीतेगा, लड़ना बहुत जरूरी है, मगर लड़ाई करते समय अपना पेशेंस बना के रखना है। कुछ चीजें छूटेंगी भी, कुछ चीजें आप अच्छे से कर भी पाओगे, मगर अपने पेशेंस को लूज नहीं करना है। कंटिन्यूअस स्टडी सक्सेस की कुंजी है। आप ये लगातार मेहनत करते रहते हो तो आप सक्सेस होगे, वो कम हो या ज्यादा, कभी कम होती कभी ज्यादा होती है, वो बात अलग है कि ये समय वो ज्यादा मेहनत वाला है, ये समय वो समय है जिसमें आपको ज्यादा मेहनत करनी है, तो उस मेहनत को करने के लिए तैयार रहें और करते रहें, ठीक है। सक्सेस आपको मिलेगी, मंजिल आपकी तैयार बैठी है, मतलब IIT आपको पहुंचना है, ठीक है। अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलते हैं, तब तक इतना ही कहेंगे, ऑल द बेस्ट मेरे फ्यूचर इंजीनियर, बाय बाय बच्चों।